जी, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही के साथ में एक ऐसा नुस्खा जो आपके चेहरे के ऊपर ग्लो भर भर के देगा। इसके साथ ही अगर डार्क स्पॉट्स पैचेस हो गए हैं उनसे कैसे आपको छुटकारा पाना है ये भी आपको आज ही के इस रेमेडी में देखने को मिलेगा। सिर्फ दही के साथ में हम आज इस रेमेडी को करने वाले हैं। और दही एक ऐसी चीज है जो हर गाँव खेड़ा में पाई जाती है, हर घर में जमाई जाती है। अगर आप दही को खाते हैं तो इसको आप एक बार चेहरे के ऊपर लगाना भी शुरू कर दो। आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स पैचेस से आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी स्किन की एजिंग से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपका चेहरा बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता है, आप दही के साथ में देखेंगे कितना ज्यादा रिजल्ट आपको अपनी स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दही के साथ में बनाएंगे, दो स्टेप का फेशियल है आज का, जिसमें हम पहले स्क्रब तैयार कर लेते हैं। स्क्रब हमारे चेहरे की एक नीड है जो हमें अपने चेहरे के ऊपर जरूर से जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि स्क्रब अगर आप अपने चेहरे के ऊपर करते हैं, एक्सफोलिएट अगर आप अपने चेहरे को करते हैं, तो ये आपके चेहरे के ऊपर जमी हुई डेड स्किन को हटाता है। जब हम अपने चेहरे के ऊपर स्क्रब करते हैं तो जितने भी डार्क स्पॉट्स पैचेज होते हैं वो भी फेड आउट होते हैं, इसके साथ ही इनप्योरिटीज दूर होती हैं। तो हम दही ले लेंगे, मैं इस बॉल में बना लेती हूँ। मैंने एक खट्टा दही लिया है, थोड़ा सा खट्टा दही है, यानी कि मैंने इसको 3 से 4 घंटा करीब अराउंड मैंने निकाल के रख दिया था, इसलिए मैं शाम को अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर को मैंने इसको निकाल दिया था। दही में क्योंकि लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कलर को लाइटन करने में हेल्प करता है, तो आप अगर थोड़ा सा खट्टा दही ले लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। ठीक है जी, ये देखिए जी, मैंने इस तरीके से ले लिया है करीब 1 चम्मच दही। इसमें हमने मिलाना है, हमारे घर में ही अगर आप पीस सकते हैं चावल का आटा तो ये आप पीस लीजिएगा। चावल का आटा हमारी स्किन को स्क्रब बहुत बढ़िया से करता है, ये आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर भी काम करता है और स्पॉट्स, जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उसको हटाने में बहुत हेल्प करता है। ये मैं बाहर का पिसा हुआ चावल का आटा ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास घर का पिसा हुआ मेरा खत्म हो गया था, तो आप घर पर भी चावल का आटा पीस सकते हैं, बहुत आसानी से आप पीस लेंगे। ठीक है, इसके साथ में हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच के आसपास, जो घर में रोटियां जिस आटे की आप खाते हैं वो वाला आटा। क्या होता है ना कि बहुत लोग की स्किन जिनकी सेंसिटिव होती है ना, वो लोग चावल का आटा जब लगा लेते हैं तो वो जैसे सब लोग मसाज कर रहे होते हैं वैसे ही कर लेते हैं। उससे होता ये कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, क्योंकि चावल का आटा हल्का सा दर्दरा होता है। ठीक है, तो हम इसमें चावल के आटे के साथ में थोड़ा सा नॉर्मल वाला रोटियों वाला आटा भी इसलिए मिला रहे हैं ताकि हमारी स्किन के ऊपर जो चावल का आटा है ज्यादा हार्ड ना हो जाए। ठीक है, ये हम मिला लेंगे इसमें और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपका ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें हल्का सा रोज वाटर भी मिला सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए जी, ये हमारा जो स्क्रबर है ये बहुत बढ़िया सा एक स्क्रबर है, इसको आप बना के स्टोर करके रख लेना। आप इसको हफ्ते भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो, मान लो आप ऑफिस गोइंग है, रोजाना ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या रोजाना अपना स्किन केयर करते हैं, तो ये स्क्रबर आप रोजाना भी अपने चेहरे पर लगा सकते हो। बिल्कुल भी आपकी स्किन को ये हार्श नहीं होगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और क्योंकि हमने इसमें आटा भी मिला है तो ये बहुत ज्यादा आपकी स्किन को रफ नहीं करेगा, लेकिन जो डेड स्किन होगी ना उसको ये हटा देगा। ठीक है, तो हम करीब ये वाला पेस्ट बना के थोड़ा सा ज्यादा भी रख सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो वैसे मैंने ये एक बार के लिए बनाया है फेस और गर्दन के ऊपर, ये आराम से इतना काफी रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारे फेशियल क्रीम है, जो फेशियल क्रीम है वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ लगाने के लिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है या बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, अगर आपके चेहरे के ऊपर फ्रीकल्स बहुत ज्यादा हैं, डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं, स्किन के ऊपर बुढ़ापा एजिक दिखाई देती है, स्किन उम्र से ज्यादा अगर आपकी स्किन दिखाई दे रही है, तो आज की ये जो फेशियल क्रीम मैं बनवा रही हूँ आपको, इसको बना लेना। ठीक है, ये क्रीम आप बना के रोजाना भी अपने चेहरे पर लगा सकते हो। इस क्रीम को आप बना के स्टोर करके 3 से 4 बार के लिए रख सकते हो, उससे ज्यादा मत करिएगा, 2 मिनट तो लगता है बनाने में, बना सकते हैं। ठीक है जी, और क्योंकि ये दही के साथ में बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था दही के साथ ही हम बनाने वाले हैं, तो हम ले लेते हैं करीब करीब 1 चम्मच दही। अच्छा, मैं पहले बता दूं, आप जब पहले दही डाल रहे थे तो अपने लिए स्टोर करके रख लीजिएगा, ये नहीं कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए कम दही यूज करें, क्योंकि ये जो सेकंड वाला स्टेप है ना हमारा, ये हमारा मेन दही के साथ ही बनने वाला है, तो पहले वाले में अगर आप थोड़ा दही कम भी डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें लेकिन थोड़ा दही ज्यादा लगने वाला है क्रीम बनाने के लिए, क्योंकि हम फेशियल क्रीम बना रहे हैं और फेशियल क्रीम में तो आप जानते ही हैं कि पार्लर में जैसे आप जाते हैं तो क्रीम का ज्यादा यूज होता है, तो हम ले लेंगे करीब करीब 1.5 से 2 चम्मच के आसपास इसमें दही। इसमें हम चीज डालने वाले हैं
वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देने वाली है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा एजिड दिखाई देती है, कलर को भी फेयर करना चाहते हैं, तो इसको आप लगाएंगे। इसमें आपको मल्टी विटामिन मिल जाते हैं। और मिलाएंगे कुमकुमादी ऑयल। ये कुमकुमादी ऑयल मैजिक की तरह स्किन के ऊपर काम करता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर बुढ़ापा दिखाई देने लग गया ना, तो आप ये कुमकुमादी ऑयल ले लो, परचेज कर लो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हर चीज का लिंक देती हूँ, जितने भी इंग्रेडिएंट मैं यूज करती हूँ सबका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने होते हैं, इवन डिस्काउंट भी मिलता है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। कुमकुमादी प्योर ऑयल है, एंटी एजिंग ऑयल है। ये आपके चेहरे के ऊपर डायरेक्टली बुढ़ापे के ऊपर ही काम करता है। तो हम इसका ऑयल, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी मसाज भी किया करो आप इसको ना, रोज रात को सोने से पहले अगर आप इस ऑयल की मसाज करते हैं, वो भी आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने ले लिया है करीब 3 ड्रॉप्स। 3 ड्रॉप्स ही आपने लेनी है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, 3 से 4 बार के लिए। ये मैंने TMC का गोल्ड ग्लो इस बार लिया है। पिछली बार मैं जो कुमकुमादी ऑयल यूज करी थी वो दूसरे ब्रांड का था, उसमें मैंने और ज्यादा अच्छे वाला इस बार मंगा लिया जो कि गोल्ड ग्लो के साथ आया। ये डायरेक्ट आपके रिंकल्स के ऊपर काम करता है। अगर आप इसको अपने चेहरे पर लगा लेंगे, आप इसके फैन होने वाले हो, क्योंकि उसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम इसमें मिलाएंगे जी 2 पाउडर, ये बना के रख लेना। इसमें है मेथी दाना और फ्लेक्स सीड, दोनों को मैंने ग्राइंड करके रख लिया है, बहुत ही कम थोड़ा सा बचा है मेरे पास, ये आप बना के रख लेना। ये एंटी एजिंग है, ये आपकी स्किन के ऊपर एजिड के ऊपर काम करता है, क्योंकि इसमें आपको लॉट्स ऑफ फाइबर मिल जाता है, विटामिन्स मिल जाते हैं जो आपकी स्किन को सैग होने से बचाते हैं। तो करीब करीब कितना लेंगे, मैं ले रही हूँ करीब 1 चम्मच के आसपास ये दोनों का पाउडर, ठीक है। ये पाउडर आप बना के रख सकते हैं, फ्लेक्सिड और मेथी दाना, मैजिकल पाउडर की तरह काम करता है जी। ट्राई करके देख लेना। कई बार होता यह है कि हम लोग सोचते हैं घर में रखी हुई चीजें क्या ही काम करेंगी, लेकिन वही चीजें सबसे ज्यादा हमारी स्किन के ऊपर रिजल्ट दे जाती हैं। तो करीब करीब हम 1 चम्मच इसमें हमारा फ्लेक्सिड और अलसी सॉरी मेथी और अलसी का पाउडर इसमें मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा काम करता है, एक बार ट्राई करके देखिएगा जरूर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको एक बार इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना चाहिए, आप इसके फैन होने वाले हो, क्योंकि मेरी आज की नहीं है, मेरी सालों पुरानी रेमेडी है और हर बार इसका बढ़ बढ़ के मुझे रिजल्ट मिलता है। अब इसमें मैं मिलाने वाली हूँ जी मेरा मैजिकल पत्थर। ये पत्थर ऐसा है जो आप नॉर्मली भी लगा सकते हो, अगर आप पहले कभी इसको लगाए नहीं हैं तो आप इसको कैसे लगाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले बताया हुआ, मेरी पहले की जो ऑडियंस मुझे आज देख रही है उनको पता है कि इसको कैसे लगाना है। आपने ये करना है कि ये पत्थर आपने ले लेना है, 2 रुपए का मैजिकल पत्थर मिलता है। अपने चेहरे के ऊपर आप रोज वाटर के साथ में स्प्रे कर लेंगे। एक सेकेंड, पानी पी, पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो भी आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा आपको डलनेस दिखाई देती है। मेरी फेवरेट बॉटल है, आप भी इसको परचेज कर लो, बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट इसके साथ में मिलते हैं। आपने फेस के ऊपर थोड़ा सा रोज वाटर स्प्रे कर लेना है और उसके ऊपर आपने इसको रब करना है, और ज्यादा उस जगह पे करना है, पूरे फेस पे करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उस जगह पे करना है जहां पर आपको डार्क स्पॉट्स या फिर पैचेस दिखाई दे रहे हैं, या अगर आपके पोर्स बहुत ज्यादा ओपन होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती जा रही, गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, तो इसको यूज कर लेना। एक तो रोज वाटर के साथ में, दूसरा आप इसका पाउडर बना के अपनी रेमेडीज में यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ, इसका चुटकी भर पाउडर हमने लेना है, इतनी नहीं है, स्किन जहां पर इफेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक एरिया, वहीं पर लगाओ पूरी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने चेहरे के ऊपर लगाएंगे हमारे स्क्रब को सबसे पहले। तो मैं एक बार अपने फेस को थोड़ा सा वाइप ऑफ कर लेती हूँ। चलिए जी, अब मैं लगा के दिखाती हूँ आपको अच्छे से। आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर स्क्रब करने से आपके चेहरे के ऊपर जमी हुई डेड स्किन से आपको छुटकारा मिलता है। हाँ, अगर आप हार्ड वाला स्क्रब कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे। अगर आप इस तरह का मिक्स वाला स्क्रब करते हैं, जो कि मैंने बहुत ही माइल्ड बनाया है, इसको आप रोजाना भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इसे मसाज करनी है और उसके बाद में अपने चेहरे को आपने क्लीन कर लेना है। मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ, आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा कि कितना बढ़िया से रिजल्ट आता है स्क्रब करने के बाद में। ये देखिए कितने अच्छे से स्किन एकदम क्लीन अप हो जाती है, स्क्रब कितने बढ़िया से क्लीन हुआ ना। चलिए अब हम हमारा फेशियल मसाज कर लेते हैं, जो कि हमने बनाया हुआ है। फेस के ऊपर अच्छे से इसको लगाएंगे, मुलायम लगेगा चेहरा, क्योंकि हमने इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ में ऑयल ऐसा डाला है जो हमारी स्किन को एकदम से सॉफ्ट और मुलायम कर देगा। तब आप देखना कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इसका,
क्यों, ये देखिए कितने बढ़िया से आपका स्किन चमकने लग रहा है। अभी फेशियल करते करते मेरी स्किन देखिए कितना ज़्यादा ग्लो कर रही है, दिख रहा है आपको? बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है चेहरे पर इसको करने के बाद में। और दही तो ऐसी चीज़ है जो आप जितना लगाएंगे उतना आपका चेहरा चमकने लगेगा। देखिए कितने बढ़िया से चमक आ गई, और पॉलिशिंग करके करेंगे ना तो और ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। अब मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। होप करूंगी आपको आज का मेरा छोटा सा सिंपल सा स्किन केयर पसंद आया होगा। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं रिमाइंड करा दूं कि ये जो आज की रेमेडी है ये बहुत ही मिनिमम सामान के साथ में बनी है और घर में रखे हुए सामान के साथ में बनी है, इसीलिए आपको एक बार तो इसको ट्राई करना चाहिए ताकि रिजल्ट आपको दिख सके कि DIY का रिजल्ट क्या होता है। अगर आपको ये बॉटल का लिंक चाहिए इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए इस तरह की जो चीजें होती हैं ये हमारे बड़े बुजुर्ग पीते थे, इन्हीं में पानी पीते थे, ऐसी ही बॉटलों में पानी पीते थे, जो कि आज हम लोग समझते हैं क्या ही करना है, लेकिन आपको हेल्थ बेनिफिट इसके तभी मिलेंगे जब आप इसको पीना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां फिर से शेयर करूंगी आपके लिए कोई और सिंपल सी होम रेमेडी जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगने वाली है। इसी तरह से अपना ध्यान रखिए, मेरे पेज को फॉलो कर लो, RS ब्यूटी एंड फैशन मेरा फेसबुक पेज है, और यूट्यूब के ऊपर तो आप मेरे साथ हैं ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।